एग्जाम वॉरियर्स, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ईरानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम क्या कर रहे हैं अभी, अपने फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 10 और अध्याय 13 को क्या है, हम साथ में लेते चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने पूरा अध्याय 10 और अध्याय 13 की पूरी चैप्टर्स कंप्लीट कर ली है ना। अब क्या बच्चे, जो अध्याय 13 के कुछ प्रश्न है, जैसे लेंस और दर्पण से है ना, आंकिक प्रश्न कभी कभी आते हैं ना, क्योंकि इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ भी सकते हैं ना, तो इसलिए क्या है, इस चैप्टर से हम क्या है अब कुछ कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। चलो ठीक है, चालू कर लेते हैं भाई। दर्पण सूत्र क्या था भाई, आप बताओ बच्चों मेरे। 1/f = 1/v + 1/u है ना दर्पण में। और आवर्धन क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या -v/u, ये होता था है ना। तो इन्हीं दोनों का मिलके लेके क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना। और एक चीज क्या होती थी भाई, f क्या होता था, वक्रता त्रिज्या का आधा होता था। ठीक है, ये चीजें थी। अब लेंस में आ जाओ तो क्या होता था, 1/f (1/v) - 1/u है ना। आवर्धन क्या होता था भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज अपॉन हाइट और v अपॉन u। ठीक, यहाँ भी क्या होती थी भाई, वक्रता त्रिज्या के आधी। ठीक, तो यही है बस, यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस, वहां पे माइनस था यहाँ पे प्लस। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। 10 सेंटीमीटर फोकस वाले गोली अवतल दर्पण, पहले बताओ दर्पण दिया है कि लेंस, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, कि ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आवर्धन बताइए। ठीक है, पहला तो क्या है, दर्पण है कि लेंस है भाई, दर्पण है। ठीक, गिवन क्या क्या है, वस्तु वस्तु स्थित है, मतलब क्या दे दिया भाई, वस्तु की दूरी, और क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस, मतलब आपको F दिया है, U दिया है। ठीक है, तो चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इतना तो आपने निकाल लिया। ठीक, चलो आ जाओ, दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी। आपको यहां पे क्या लिखना है, गोली अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु की दूरी प्रॉपर लिखते चलना है ना, चलो लिखते चल रहो, देखते देखते लिखते चलो। ठीक है, अब क्या बनाओ, चलो इधर डायग्राम बनाना शुरू करो, मैं जैसे से बता रही हूँ है ना, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे अवतल उत्तल का तो कंफ्यूजन होगा है ना, और आपको सामने वाले से अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये सब बनाते चलो। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते चलो, कॉपी पेन निकालो, ऐसे ही बैठ जाते हो। चलो ये हो गया। ठीक, अब क्या है भाई, 15 सेंटीमीटर दूर है, फोकस 10 है, तो ये कितना होगा, 20, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। ठीक, पैरेलल लेके जाओ, फोकस से निकाल दो। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, इधर लेके जाओगे ऐसे निकाल दोगे, तो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक, ये तो हो गया। अब क्या है, ज्ञात करना है क्या भाई, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आवर्धन। ठीक, आ जाओ भाई, माना प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, अतः दर्पण सूत्र से क्या है भाई, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। चूंकि देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो फोकस क्या होगा मेरे बच्चों, याद करो ये इधर है ना, तो फोकस क्या होगा, जिस दिशा में आ रही है उसके विपरीत दिशा में, तो क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस माइनस, वस्तु किस में होगी, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/f मतलब 1/, फोकस कितना है 10, v निकालना है, प्लस 1/f
15, ठीक, क्योंकि वस्तु की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, दोनों में माइनस क्यों लगा है भाई, क्योंकि फोकस क्या है अवतल दर्पण का निगेटिव होता है और वस्तु क्या है इसी साइड रहती है जिधर से दिशा किरण आ रही है, इसलिए दोनों को क्या लेते हैं हम माइनस लेते हैं, ठीक। चलो आ जाओ, 1/-10 1/V प्लस 1/15, ठीक। चलो सॉल्व करो भाई, 1/10 वी प्लस माइनस माइनस, ठीक, 1/10 ये इधर आ गया प्लस हो गया 1/V, ठीक। एलसीएम लो, 30 आएगा माइनस 30 दो 1/V माइनस 1/30 1/V, वी इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब किधर है भाई, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हुई माइनस 30 सेंटीमीटर, और माइनस क्या बता रहा है, अगर जिस दिशा में आ रही है ना, ये इधरी है तो क्या बता रहा है, ये उल्टा है ना, और माइनस है मतलब क्या है, वास्तविक है ना, उस साइड होता तो क्या बोलते हैं आभासी है, इसी साइड है माइनस है, माइनस में आता है अगर वस्तु प्रतिबिंब की दूरी तो वो क्या होता है वास्तविक, ठीक। चलो आवर्धन का क्या सूत्र होता है, या माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस वी कितना आया है माइनस 30, यू कितना है माइनस कितना है भाई 15, काटो 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 माइनस 2, ठीक, मतलब क्या बता रहा है दो गुना बड़ा है और क्या बता रहा है माइनस है, मतलब क्या है उल्टा बना है, ठीक है। अतः प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 30 सेंटीमीटर होगी, प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से दोगुना वास्तविक होगा। उत्तर ये पूरा आपको बनाना होगा, ठीक है, हो सकता है ये 3-4-5 मार्क्स में जिसमें भी आ जाए आपको ये पूरे चीजें बतानी होगी, फोकस दिया है, वस्तु की दूरी दी है, ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आवर्धन, ठीक है, स्थिति क्या हुई भाई कि वो 30 सेंटीमीटर दूरी है, प्रकृति क्या है उल्टा है, वस्तु से दो गुना बड़ा है और कैसा है वास्तविक होगा, तो इस तरह से क्या आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, किसका, अब यहाँ पे आ गया क्या लेंस, ठीक है, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, उसे 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात की। अब सेम चीज है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, वहां पे क्या था अवतल दर्पण है ना, तो पहले उत्तल लेंस बना लो, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर है, फोकस कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक, इधर भी होगा इधर भी, अब ये क्या 15 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर ऊंची रखी है, पहला लाएगी भाई अपवर्तन के बाद क्या है फोकस से होकर निकल जाएगी और एक केंद्र से जाती है तो क्या निकल जाती है, ठीक, यहाँ कहीं पे बन रहा होगा, ठीक। अब देखो दिया क्या क्या है लिख लो, अभी मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, वैसी चीजें लिखनी है, ठीक है, फोकस दूरी दस सेंटीमीटर। अब ये बताओ अवतल उत्तल का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव लेंस में है ना, फोकस कैसा होता है पॉजिटिव, यू निगेटिव, ठीक, तो क्या होगा पॉजिटिव। अब और क्या लिख दिया है हमें, वस्तु की दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब दर्पण सूत्र ज्ञात क्या करना है, क्या लिखोगे प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अब चलो लेंस सूत्र से (1/f)(1/V) माइनस 1/u, यहां पे क्या आ गया u आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो,
बनाते चलो ना, बैठे बैठे देखो मत, नहीं बनाओगे पेपर में जाओगे। ठीक है, थर्टी सेंटीमीटर देखो, इस वाले में वही था लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस में था और दर्पण था, अभी क्या आया भाई, प्लस आया। ठीक है, तो यही क्या होता है, डिफरेंस होता है उसमें। और क्या निकालना है हमें, अब बताओ भाई, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तो भाई स्थिति पता चल गई, आवर्धन क्या होगा भाई, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, वी कितना आया 30, यू कितना है माइनस 15, क्या है भाई माइनस 2। ठीक, माइनस 2 है मतलब क्या है भाई, उल्टा बन रहा है। ठीक, और ये लेकिन ये पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या था भाई, आभासी था। ठीक, तो यही आपको बताना। और दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक, आवर्धन 2 मतलब वस्तु से 2 गुना। ठीक, इतनी चीजें आपको क्या है, लिखनी होंगी। ठीक, चलो अगले प्रश्न में आ जाओ। 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता आप बताइए। पहले क्षमता क्या होती है भाई, लेंस की क्षमता, वन अपॉन एफ, क्या पी बराबर 1/f होता है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ठीक, तो ये बताओ 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक, चलो ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो पहले तो भाई अवतल लेंस का क्या होगा, अवतल लेंस का फोकस माइनस 50 सेंटीमीटर मतलब माइनस 0.5 मीटर। ठीक, उत्तल लेंस का पचास सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, ये दोनों हो गया। चलो आ जाते हैं, अब प्रश्न सॉल्व कर लो। अवतल लेंस के लिए क्या होगा, पी बराबर 1/f मतलब 1/0.5 2। ठीक, माइनस 2 डायोप्टर। उत्तल के लिए आ जाओ, पी इज इक्वल टू 1/f 1/0.5 2d। ठीक है, तो उत्तल का क्या, अवतल का क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि क्यों, अवतल का फोकस क्या होता है, माइनस में होता है। उत्तल का क्या होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि उत्तल का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए क्या है, जो आप लोग देखते हैं ना, किसी का पावर प्लस में होता है, किसी का पावर माइनस में होता है, तो जिसका पावर माइनस में होता है उसको क्या लगता है भाई, अवतल। और जिसके कई लोगों की पावर प्लस में होते हैं बहुत ज्यादा, तो उसको क्या लगता है, अवतल। ठीक है, तो भाई लेंस की क्षमता कितनी हो गई, यहाँ पे लिख लो उत्तर, अवतल लेंस की क्षमता -2d, उत्तल लेंस की +2d। ठीक, ये आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। एक गोली उत्तर दर्पण की, पहले तो क्या है, दर्पण है। ठीक है भाई, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लंबी वाली एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और सब क्या, वही चीजें फिर से याद करनी बच्चों। ठीक है, अभी क्या दिया, वक्रता त्रिज्या दे दिया है, मतलब R दिया, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2 मतलब क्या हुआ, 30/2 15 सेंटीमीटर। तो फिर फोकस क्या हो गया, कौन सा है भाई, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का क्या होता है, फोकस पॉजिटिव होता है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर। U कितना दिया है हमें, 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक, V ज्ञात करना है। ठीक, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 5 सेंटीमीटर,
ठीक। तो इसी से आपको क्या, फिर से हमें वही सूत्र निकाल लगा के वन अपॉन एफ वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू करके क्या निकालना है आपको, वी निकाल लेना है और एम इज इक्वल टू एच अपॉन एच करके क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक, इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। जो हम लोग इधर से निकालते आ रहे हैं 10-15 वही वैल्यू आएगी 30 और आगे चीजें। ठीक, तो इसमें और कोई आगे क्वेश्चन का नहीं करना है, इतने ही क्वेश्चन है जो आपको करने थे और 15-10 वाले ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेंस की क्षमता निकालना है तो आपको 1/f करना है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र एक बार ध्यान से देख लेना, दर्पण या लेंस इतना एक बार गलती मत करना, क्वेश्चन को दो बार पढ़ना, उत्तल अवतल और लेंस या दर्पण इतना बस चीजें रखो। अवतल की फोकस चाहे लेंस में हो दर्पण में हो माइनस में ही होंगी, उत्तल की चाहे दर्पण हो लेंस हो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये दोनों को बस माइनर रखना। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव में लेना है, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा भाई, आभासी है। प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, आभासी है। प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव आएगा तो वास्तविक है। इतनी चीजें याद करना है, वस्तु की प्रकृति विकृति सब बन जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हमारा खत्म हुआ, अध्याय 10 और 13। इसके बाद हम विद्युत अध्याय करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितनी चीजें हो सकती थी मैं बता दी, और इतना पढ़ लो बहुत है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो बच्चों हम अगले अध्याय में मिलते हैं विद्युत में, तब तक अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो और जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो और सूत्रों को बहुत अच्छे से लिखो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।